कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का आज उनके सामने जमकर विरोध किया गया। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की गई। हजरत बल में ईद की नमाज के दौरान फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी की गई। बकरीद के मौके पर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पहुँचे थे, जहाँ स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। जैसे फारूक ने दरगाह में प्रवेश किया, स्थिति और बिगड़ती चली गई। लोग फारूक को मस्जिद से बाहर निकालने की बात करने लगे। वहीं आपको बता दें, माहौल खराब होता देख मस्जिद कमेटी ने हस्तक्षेप किया और फारूक ने प्रार्थना की, पर वे खुतबा में भाग नहीं ले पाए। प्रार्थना खत्म होती ही फारूक अब्दुल्ला जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो लोगों ने अपने जूते हाथों में पकड़कर शर्म करो के नारे लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दें, फारूक के खिलाफ ये नारेबाजी भारत माता की जय के नारे लगाने के विरोध में की गई। आपको बता दें कि दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में फारूक ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला के हजरत बल दरगाह पहुंचते ही वहां के स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही उन्हें अपने जूते चप्पल भी दिखाए। इस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से दरगाह में फारूक अब्दुल्ला का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका भारत माता की जय बोलना रास नहीं आया और उन्होंने इस तरह से उन्हें जूते चप्पल दिखा दिए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।